फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजे टिप्स एंड ट्रिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्किन शाइन और स्किन लाइट क्रीम का पूरा डिटेल्स के बारे में, मतलब दोनों क्रीम के कंपेयर करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो जानने के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना होगा, प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। सो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं स्किन शाइन क्रीम और स्किन लाइट क्रीम में जो केमिकल होता है, मतलब जो इंग्रेडिएंट रहता है। स्किन शाइन क्रीम में जो इंग्रेडिएंट्स है वो है हाइड्रोक्विनोन, टेरिसिनोन एंड मोमेटासोन फ्लोर। और स्किन लाइट क्रीम में भी वही सेम टू सेम इंग्रेडिएंट्स है, हाइड्रोक्विनोन, टेरिसिनोन एंड मोमेटासोन फ्लोर। तो इसी के कारण दोनों क्रीम जो है सेम टू सेम हुआ, सिर्फ जो ब्रांड है मतलब कंपनी है वो अलग अलग है। स्किन शाइन का कंपनी अलग है और स्किन लाइट क्रीम का कंपनी अलग है। और उसके बाद आता है प्राइस। प्राइस भी कम से कम सेम टू सेम होगा। प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, स्किन शाइन क्रीम का शायद प्राइस था 165 रुपीज़, और स्किन लाइट का भी सेम टू सेम होगा, कम से कम, कुछ कम कुछ ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद होता है काम। दोनों क्रीम का काम फ्रेंड सेम टू सेम है। स्किन शाइन क्रीम भी गोरा होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लगभग 7 से 10 दिन में गोरा कर देता है। और स्किन लाइट क्रीम भी 7 से 10 दिन में फेस को गोरा कर देता है, और लड़का हो चाहे लड़की हो जो कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा एक आप लोगों को सलाह रहेगा, जो आप जिस क्रीम में हाइड्रोक्विनोन, टेरिसिनोन एंड मोमेटासोन ये सब इंग्रेडिएंट्स या ये सब केमिकल रहता है, वो क्रीम आप कभी फेस पे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सब से मतलब ये सब केमिकल यदि हम ज़्यादा दिन फेस पे इस्तेमाल करते हैं तो उससे स्किन कैंसर का भी मतलब स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए जितना हो सके दूरी रहिए ये सब क्रीम से। और भी बहुत सारा आयुर्वेदिक क्रीम है, वो सब आप लोग इस्तेमाल कीजिए। मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट में, आप यदि डिमांड करते हैं वो सब वीडियो के तो मैं बनाऊंगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए जो मुझे वीडियो चाहिए आयुर्वेदिक क्रीम के बारे में, तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। उसके बाद आता है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट फ्रेंड्स दोनों का ही सेम टू सेम है, कम या ज़्यादा नहीं। स्किन शाइन क्रीम से जैसे साइड इफ़ेक्ट आता है, फेस में इचिंग, फेस में रेडनेस, फेस लाल लाल हो जाना, फेस में खुजली, फेस में जलन, ये सब साइड इफ़ेक्ट स्किन लाइट क्रीम से भी आता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, कभी आप लोग स्किन लाइट और स्किन शाइन क्रीम इस्तेमाल ना करें। ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद था फ्रेंड। मेरा एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था जो स्किन लाइट क्रीम अच्छा होगा या स्किन शाइन क्रीम, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है इस वीडियो में। तो आई होप वीडियो आप लोगों को फ्रेंड्स पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें और अपना बाकी जो फ्रेंड्स है उसके साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे हमारा अगले वीडियो में। तो वो वीडियो पाने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।